हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सेशन में डिस्कस करते हैं दो अलग अलग वैकेंसीज, दो अलग अलग कॉलेजेस में, एक कॉलेज में आई है और एक यूनिवर्सिटी में आई है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। नॉन टीचिंग पोस्ट में विदाउट नेट सेट पीएचडी वाले कैंडिडेट्स अगर उनकी क्वालिफिकेशन मीट करती हो, रिक्वायरमेंट मीट करती हो, तो वो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में विदाउट नेट सेट पीएचडी। और नेट सेट या पीएचडी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। दोनों ही जगह पे दो जो वैकेंसीज इस सेशन में हम कवर करेंगे वो वहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, तो विदाउट एप्लीकेशन फी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो चलिए दो अलग अलग वैकेंसीज को कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली आई स्टार्टेड माय ओन ब्लॉग वेयर एवरीथिंग विल बी रिटन पोस्टेड सिस्टमैटिकली, ऑल द वैकेंसी which I cover here on my YouTube channel that will be available on my blog as well. तो आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं और वहां पे भी देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ फिलहाल देख लेते हैं कि कहाँ वैकेंसीज दो अलग अलग आई है। सबसे पहली वैकेंसी जो आई है वो यूनिवर्सिटी में आई है। टीचिंग पोस्ट भी हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, और ये है लोकेटेड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फैकल्टी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी विच इज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल मिली हुई है इसे। तो जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग भी है एंड असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर पोस्ट। एडवर्टीजमेंट जो है वो 5 अगस्त को आई थी, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो पूरी तरह से हम इसे कवर करते हैं। 17 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन मेकिंग एप्लीकेशन। जॉब लोकेशन विल बी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लास्ट डेट टू अप्लाई वी हैव डिस्कस्ड, एप्लीकेशन फी इज नॉट देयर। हाउ टू अप्लाई, तो चलिए हाउ टू अप्लाई के पहले हम डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स जिनमें वैकेंसीज हैं वो कवर कर ले। तो एमबीए के लिए है तो एमबीए आपने की हुई है किसी स्पेशलाइजेशन से तो यू कैन अप्लाई। एमबीबीएस के लिए भी एमसीए, बीसीए के लिए है बीबीए, बीकॉम, बीए मींस अगर आपने आर्ट्स में डिग्री ली हुई है, सोशल साइंसेज में भी लिए तो यहाँ पर एप्लीकेशन आप डालें। बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए, बीए में एक और वैकेंसी है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश में, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज है, एमएससी एग्रीकल्चर, मीन्स ये सब डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। तो कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आपने नेट सेट पीजी किए 55% मार्क्स के साथ, बीए जेएमसी मीन्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीटेक एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एमटेक वाले भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जहां पर आप बिल्कुल आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि लैब इंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो लैब इंस्ट्रक्टर होते हैं अबव ऑल डिपार्टमेंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में लैब इंस्ट्रक्टर, तो लैब इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना सफिशियंट होता है। कंप्यूटर की नॉलेज, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है तो, और आपने बीएससी आईटी या ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। अकाउंटेंट के लिए अगर बीकॉम वाले ने कुछ सर्टिफिकेशन किया है या बीकॉम करके आपको कुछ एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट की तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाली जा सकती है। स्पोर्ट्स ऑफिसर में भी किसी तरीके की खास अगर फिजिकल एजुकेशन वाले यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस है तो स्पोर्ट्स ऑफिसर में डाल सकते हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए हाँ एक्सपीरियंस होनी जरूरी है। फिनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, ट्यूटर, ट्यूटर के लिए आप डालें अगर आपके पास फिलहाल नेट सेट पी तो ट्यूटर के लिए आप डालें। सीनियर, जूनियर, रेसिडेंट, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट इन सभी पोस्ट के लिए मेंशन नहीं है नॉन टीचिंग के लिए। चलिए और भी कुछ कुछ हैं। ट्रेनर्स, ट्रेनर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन वाले यहाँ पर डाल सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी। क्वांट्स में जिनकी स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में जिनकी एबिलिटीज अच्छी है, मास्टर्स की हुई है, वो क्वांट्स ट्रेनर में डाल सकते हैं एप्लीकेशन। वर्बल एबिलिटी में जो एमए इंग्लिश वाले हैं उनको अगर कुछ एक्सपीरियंस है वर्बल एबिलिटी में डाल सकते हैं एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग स्किल में भी बीटेक कंप्यूटर वाले डाल सकते हैं, एमई एमटेक है, 3D डिजाइन, आईओटी, एसएपी, ई टैब, ये सारी चीजें हैं जहां पे किसी भी तरीके से नेट या पीएचडी या सेट की जरूरत नहीं है। हाँ बाकी नेट सेट पीएचडी के लिए आप ये डिपार्टमेंट देख लें, जो ये डिपार्टमेंट जिनमें भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स की है
55% मार्क्स के साथ, और बाकी जो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन मिलती है परसेंटेज में 5% रिलैक्सेशन मिलती है। साथ में अगर नेट या फिर सेट या पीएचडी है, एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंगली आप एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर जो इनकी एडवर्टीजमेंट है ये एक नजर डाल लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट आपको मेरे ब्लॉग पर मिलेगी, क्योंकि ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, ये देख सकते हैं आप। 17 अगस्त तक लास्ट डेट है। एचआर हेड को जानी चाहिए पोस्ट से या फिर ईमेल के थ्रू जानी चाहिए। तो हाउ टू एप्लीकेशन यहाँ पर दी हुई है, आप रीड आउट करें। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ रेज्यूमे एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू एचआर हेड थ्रू पोस्ट और ईमेल, और दिस ईमेल आईडी इज गिवन बाय 17 अगस्त 2020। आप पोस्ट भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी से भी डाल सकते हैं। वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट की लिंक भी मेरे ब्लॉग पर है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप वेबसाइट पर ही जाते हैं, लेकिन वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन जॉब वैकेंसी की नहीं है। ये न्यूज़पेपर की जो प्रिंट है ये यहाँ पर अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। चलिए अभी दूसरी हम वैकेंसी कवर करते हैं, जहां पर की वैकेंसीज कॉलेज में आई हुई है और वॉक इन है और बहुत ही पास है। ये यूनाइटेड यूनिवर्सिटी जो है अभी जिसकी मैंने वैकेंसीज कवर की, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी को कवर करने के लिए, दूसरे कॉलेज की वैकेंसी कवर करते हैं। दूसरी वैकेंसी जो है वो आई है आपकी वॉक इन इंटरव्यू से, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी नहीं है, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या ये वैकेंसी आई हुई है एक कॉलेज से, जो है सिद्धार शिवगनानी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, विल्लुपुरम, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज हैं। तो ऑफ कोर्स जो वॉक इन इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 11 अगस्त को ये इशू हुआ है न्यूज़पेपर में, 14 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, एप्लीकेशन फी यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि वॉक इन है, तो डायरेक्टली आपको वॉक इन में वेन्यू पर पहुंच जाना है। डिपार्टमेंट्स जहाँ पर वैकेंसीज है वो है कॉमर्स में एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कॉमर्स वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिनकी नेट सेट या पीएचडी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो नेट सेट स्लेट या पीएचडी के साथ पीजी, तो आप एप्लीकेशन डालें। किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग बायोडाटा एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एट द गिवन एड्रेस ऑन 14 अगस्त 2020। नाउ अटेस्टेड कॉपीज आर नॉट अवेलेबल, देन यू कैन गो विद बायोडाटा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अदर क्रेडेंशियल्स ऑन 14 अगस्त 2020 at 11 AM ऑन द सेड वेन्यू। ईमेल आईडी इज ऑल्सो गिवन, वेबसाइट इज गिवन, दिस इज द न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट वेयर द वेन्यू इज गिवन। लेट अस सी व्हाट द वेन्यू इज वेयर यू हैव टू रीच फॉर द इंटरव्यू, फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। सिद्धार शिवगनानी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ईस्ट कोस्ट रोड, बोम्मा या पलायम, विल्लुपुरम, 60510। सो दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन विल्लुपुरम, तमिलनाडु। एंड वॉक इन इंटरव्यू, नो एप्लीकेशन फी, यू जस्ट हैव टू रीच टू द वेन्यू विद बायोडाटा, फोटोग्राफ एंड अदर सर्टिफिकेट जेरोक्स कॉपीज, अटेस्टेड और नॉन अटेस्टेड कॉपीज। सो दिस इज ऑल्सो available on my blog, you can check it on my blog. So both the links will be available in the description box of this video. दोनों जो blog मैंने cover किए vacancies, उनकी आपको links मेरे इसी video के description box में मिलने वाली हैं। वहाँ पर आप click करके दोनों ब्लॉग पर आप जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं डिटेल्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट भी जाकर चेक करें अगर वहां पर कुछ अवेलेबल है तो, अदरवाइज ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट मेरे ब्लॉग पर देखी जा सकती है। तो होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।